चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी सारी तरकीब अपनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली में एक शख्स ने तो हद ही पार कर दी। शामली के कांधला में पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम पर ट्रक भरकर मुर्गा बंटवाने का आरोप लगा है। इसका वीडियो वायरल हुआ तो पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है, यह सब ऊपर वाला करवा रहा है। दरअसल शामली का कस्बा कांधला का यह मामला है, जहां पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी इस्लाम द्वारा निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ट्रक में भरकर मुर्गे बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों में ट्रक से मुर्गा निकालने के लिए आपाधापी मची हुई है। वीडियो वायरल होने पर पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम ने कहा कि जनता ने मुझ जैसे गरीब आदमी को चेयरमैन बनाया, सोच रहा था कि जनता का कुछ एहसान उतार, लेकिन मैं जानता हूं कि यह एहसान नहीं उतार सकता हूं। पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम ने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं मुर्गे बंटवा सकूं, यह सब ऊपर वाला करवा रहा है। हाजी इस्लाम 2012 से 2017 तक चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार भी दावेदार हैं। सोमवार को हाजी इस्लाम ने एक ट्रक भरकर मुर्गा भेजा था, जिसे देखकर लोगों की लाइन लग गई। करीब एक घंटे तक मुर्गे बांटे गए। कतार में जिन लोगों को मुर्गा नहीं मिला, उन्हें भरोसा दिया गया है कि अगली बार उन्हें मुर्गा दिया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना में टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने लोगों के बीच शराब की बोतलें और मुर्गा बांटा था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने जा रहे थे। इस लॉन्चिंग से पहले टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने 200 मुर्गा और 200 शराब की बोतलें खरीदी और उन्हें लोगों के बीच बांटा।